नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 11th आर्टिकल है। आर्टिकल थोड़ा डिफरेंट है, न्यूरोसाइंस से है, तो कुछ टर्म्स आएंगे जिन्हें बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। थोड़ा डिफरेंट एरिया से हैं। इतना लेंदी आर्टिकल अक्सर कैट के या बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है। SSC के मेन्स में आजकल थोड़ा लेंदी आर्टिकल आने लगे हैं। पूरा भी नहीं आए तो इसका एक पार्ट आ सकता है। तो थोड़ा डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो लेट्स एंजॉय इट। शुरुआत करते हैं आपका जो पहला पार्ट है उससे, हाउ डोपामाइन ड्राइव्स ब्रेन एक्टिविटी। डोपामाइन जो है वो ब्रेन एक्टिविटी को कैसे ड्राइव करता है, प्रेरित करता है या उसको चलाता है। डोपामाइन ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो हार्मोन भी होता है, और हार्मोन होने के साथ साथ ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक न्यूरॉन्स के, तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। स्पेशलाइज्ड MRI, MRI का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। सेंसर रिवील्स उजागर करते हैं दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैंने अभी एक्सप्लेन किया न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रभाव है ऑन न्यूरल एक्टिविटी, जो दिमाग की जो न्यूरॉन्स की जो दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी थ्रू आउट द ब्रेन, पूरे दिमाग में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे प्रभावित करता है डोपामाइन, उसकी एक स्टडी हुई है। MRI जो सेंसर है उससे रिवील हुई है स्टडी। डोपामाइन प्लेज मैनी रोल्स इन द ब्रेन। डोपामाइन कई रोल प्ले करता है ब्रेन में, मोस्ट नोटेबली मुख्य रूप से रिलेटेड टू मूवमेंट, गति, मोटिवेशन, प्रेरणा एंड रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट का मतलब होता है पक्का करना है, मजबूतीकरण ऑफ बिहेवियर। सी, बिहेवियर इज डिफाइंड बाय हैबिट्स, एंड हैबिट्स आर नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन, एंड दैट एक्टिविटी बिकम्स योर हैबिट। द मिनिमम टर्न अराउंड टाइम टू बिल्ड एन एफर्ट, build a habit is 21 days, and beyond that people inculcate that habit. So no wonder ki aapka jo lockdown hai wo 21 din ka tha, you start behaving in a particular manner. So dopamine plays many roles, isme behavior bhi ek hai, behavior repetition se reinforce hota hai, mazboot hota hai, and if you keep reinforcing that kind of behavior that becomes addiction. That's how the brain plays out. However, until now, it has been difficult to study precisely how a flood of dopamine affects. कि अभी तक study exactly ये नहीं बता पाई थी कि कैसे जो dopamine flood करता है आपके brain में, blood में जब circulate होता है, affects neural activities को प्रभावित करता है throughout the brain, पूरे दिमाग में. Using their new technique, अपनी नई प्रणाली का प्रयोग करते हुए MIT team ने पाया, Massachusetts Institute of Technology को MIT कहते हैं, that dopamine appears to exert significant effect, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है in two regions of brain's cortex. ब्रेन का जो cortex पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है जो खासकर आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो जिम्मेदार होता है, एंड इंक्लूडिंग मोटर कॉर्टेक्स स्पेशली वो हिस्सा होता है जो आपकी इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज, लर्निंग एट्सेट्रा को प्रभावित करता है, उसको मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इमीडिएट सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेज, जो इमीडिएट जो कोशिकाओं के जो परिणाम हैं डोपामाइन रिलीज के बाद, डोपामाइन के निकलने के बाद, ब्लड में शामिल होने के बाद, उस पर काफ़ी काम हुआ है। बट हियर व्हाट वी आर लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ के परिणाम देख रहे हैं, और व्हाट डोपामाइन इज डूइंग, कि डोपामाइन करता क्या है, डोपामाइन के रिलीज होने पे क्या परिणाम होते हैं, वो तो हम देखते हैं क्योंकि वो हमारे बिहेवियर में, चूंकि हार्मोन है तो हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है जो एक्सटर्नल है, लेकिन ब्रेन के भीतर ये किस तरीके का व्यवहार करता है उसके बारे में अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ पे व्हाट डोपामाइन इज डूइंग ऑन मोर ब्रेन वाइड लेवल, पूरे ब्रेन में ये किस तरह का प्रभाव करता है या क्या एक्टिविटी करता है, सेज एलन जेसनॉफ
एन MIT प्रोफेसर और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। ये नाम तो भारत में तो सुनने कोई बहुत कोई ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट्स होंगे, ISS वगैरह में ये ऐसे नाम का प्रयोग होता होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ों में तो शायद नहीं होता। इंजीनियरिंग ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस समझ का जो विज्ञान है, एंड न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस और इंजीनियरिंग के भी ये प्रोफेसर हैं। जेस्नॉफ इज ऑल्सो एन एसोसिएट मेंबर ऑफ MIT's मैक गवर्न इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च। MIT का एक इंस्टीट्यूशन है मैक गवर्न इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन रिसर्च एंड सीनियर ऑथर ऑफ दिस स्टडी। और उसके जो अध्ययन है, स्टडी का अर्थ यहाँ पे रिसर्च भी होता है, जो शोध होता है उसको भी स्टडी कहते हैं। शोध यहाँ पे इसका अर्थ है, जो शोध होता है उसका सीनियर लेखक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है, द MIT टीम फाउंड, MIT टीम ने पाया, इन एडिशन टू के साथ साथ द मोटर कॉर्टेक्स, द रिमोट ब्रेन एरियाज मोस्ट अफेक्टेड बाई डोपामाइन इज द इंसुलर कॉर्टेक्स। और दिमाग के जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें से एक इंसुलर कॉर्टेक्स एरिया भी है, जो बॉडी की जो आपकी जो इंटरनल इमोशनल और फिजिकल स्टेट होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। इंसुलर कॉर्टेक्स वो पार्ट होता है जो आपके भीतर की जो बॉडी की फंक्शनिंग है और आपके जो इमोशनल स्टेट है, आप एंगर में हैं और हैं, सो ये इंसुलर कॉर्टेक्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, जब भी आप गुस्से में होते हैं या स्नेह भाव में होते हैं, सो डिफरेंट इमोशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट हो जाती है, आपका इंटरनल जो एहसास है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये इंसुलर कॉर्टेक्स का ये काम है। तो ये इसमें ये भी है कि टीम ने ये पाया है कि जो रिमोट ब्रेन एरियाज हैं उनको भी डोपामाइन इफेक्ट करता है। और ये जो क्रिटिकल है, बड़ी अहम है, क्रिटिकल शब्द 3-4 बार आ गया है, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, समझने की जो प्रक्रिया है उसके लिए, रिलेटेड टू परसेप्शन, जो हमारे जो एहसास होते हैं, एंड बॉडीज इंटरनल स्टेट इंक्लूडिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। तो इंसुलर जो रीजन है, मैंने इंसुलर कॉर्टेक्स है उसका मैंने अभी बताया कि किस किस के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे परसेप्शन वगैरह के लिए, उसको किस तरीके से प्रभावित करता है डोपामाइन, उसका अध्ययन हुआ है। तो पहले तो डोपामाइन के बारे में मानते थे कि मोटर कॉर्टेक्स को ही प्रभावित करता है, लेकिन ये स्टडी बताते हैं कि विद इन ब्रेन की जो डोपामाइन है, ये जो दूर दराज के आपके ब्रेन के एरियाज हैं उनको कैसे प्रभावित करता है, उनमें से वन इज इंसुलर कॉर्टेक्स। ट्रैकिंग डोपामाइन लाइक अदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, डोपामाइन हेल्प्स न्यूरोन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी और न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं डोपामाइन के अलावा, वो न्यूरोन की सहायता करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल एरर मुझे नज़र आया है, मैं हटा देता हूँ उसको। लाइक अदर न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन हेल्प्स न्यूरोन्स कम्युनिकेट। जब भी आप हेल्प के साथ इन्फिनेटिव लेते हैं, बेर इन्फिनेटिव आता है, तो कई बार चूंकि साइंस के लोग हैं तो कई बार छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, नॉट एन इश्यू। ईच अदर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी पर ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। डोपामाइन होल्ड्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट फॉर न्यूरो साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन मोटिवेशन, एडिक्शन एंड सेवरल न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर्स। और डोपामाइन पे ज्यादा रुचि इसलिए है क्योंकि ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, मैंने शुरू में बताया था, प्रेरणा के लिए, लत के लिए, एडिक्शन के लिए, एंड सेवरल न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर्स। और न्यूरॉन्स की वजह से पैदा हुए डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां या व्याधि या जो हमारे दिमाग में जो गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज जो है वो न्यूरो डिजीज है, सबको न्यूरो रिलेटेड डिजीज है, एवरीबडी नोज दैट। तो उसमें ये इसका क्या रोल है, मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स डोपामाइन इज प्रोड्यूस्ड इन द मिड ब्रेन बाई न्यूरोन्स दैट कनेक्ट टू ट्रियाटम वेयर द डोपामाइन इज रिलीज। तो ज्यादातर जो ब्रेन का डोपामाइन है वो कहाँ पैदा होता है, मिड ब्रेन में, दिमाग के बीच के हिस्से में, बाई न्यूरोन्स के द्वारा, दैट कनेक्ट स्ट्रियाटम वेयर द डोपामाइन इज रिलीज। तो स्ट्रियाटम जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है उसको ये जहाँ पे जिस जगह पे हमारा ये डोपामाइन प्रोड्यूस होता है उसको कनेक्ट करता है, वहाँ पे जो कनेक्शन वाला एरिया है उस जगह पे जो है डोपामाइन ज़्यादा पैदा होता है। फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक, जेसनॉफ लैब हैज़ बीन डेवलपिंग टूल्स, टूल्स का मतलब
औजार, लेकिन यहाँ पे टूल्स का मतलब एक्टिविटीज से है. टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, हाउ मोलिकुलर फिनोमिना, कि किस तरीके से जो आपके मोलिक्यूल लेवल का जो घटनाएं हैं, सच एज न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज अफेक्ट ब्रेन वाइड फंक्शंस, कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जो रिलीज है वो ब्रेन वाइड एक्टिविटीज को कैसे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसका अध्ययन है. एट द मोलिकुलर स्केल, अगर हम जो मोलिक्यूल्स हैं उनके लेवल पे अगर हम देखें, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स जो वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध तकनीक है या गतिविधियां हैं, तकनीकी गतिविधियां हैं, कैन रिवील हाउ डोपामाइन अफेक्ट्स इंडिविजुअल सेल्स, कि इंडिविजुअल सेल्स को डोपामाइन कैसे इफेक्ट करता है. तो हमारे पास अभी तक जो अध्ययन था इससे पहले वो ये था कि इंडिविजुअल सेल को कैसे, एक कोशिका को कैसे डोपामाइन प्रभावित करता है. एंड एट द स्केल ऑफ एंटायर ब्रेन, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैन रिवील हाउ एक्टिव ए पर्टिकुलर ब्रेन रीजन इज. तो उसके लिए, लेकिन पूरे ब्रेन के एंटायर एरिया में, ब्रेन में या उसके पर्टिकुलर एरिया को कैसे प्रभावित करता है, उसके लिए एफएमआरआई रिवील करती है कि कैसे एक्टिव कैसे एक्टिविटी करता है ब्रेन में आपका डोपामाइन जो है. हाउएवर इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट था टू डिटरमाइन हाउ सिंगल सेल एक्टिविटी एंड ब्रेन वाइड फंक्शन आर लिंक्ड. अभी तक इंडिविजुअली ये पता था, एफएमआरआई से ये पता चला कि पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, लेकिन आपस में इनका क्या संबंध है, इसमें अभी तक साइंटिस्ट का थोड़ा कंफ्यूजन था. तो ये अध्ययन इसी के बारे में है. अगला जो है आपका, देर हैव बीन वेरी फ्यू ब्रेन वाइड स्टडीज, मुश्किल से ही, ऑलमोस्ट नगण्य के बराबर ब्रेन वाइड स्टडीज हुई हैं. फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस देने के लिए करते हैं. ब्रेन वाइड स्टडीज हुई हैं ऑफ डोपामिनर्जिक फंक्शन, डोपामाइन की वजह से जो प्रणाली होती है, और रियली एनी न्यूरोकेमिकल फंक्शन, और न्यूरोकेमिकल का एनी कोई भी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में कोई ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ था. ये कार्य प्रणाली के ऊपर कोई अध्ययन नहीं हुआ था, प्रभाव का तो इनका हुआ था इन लार्ज पार्ट, बड़े हिस्से में, बिकॉज द टूल्स आरंट देयर, क्योंकि हमारे पास कोई टूल्स, ऐसे औजार नहीं थे. जेसनॉफ सेज वी आर ट्राइंग टू फिल द गैप्स, हम जो है वो गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक मैंने जेसनॉफ का एक दो जगह प्रोनंसिएशन गलत कर दिया, जेफरसन बोल दिया, आई एम सॉरी, जेसनॉफ है ये. अबाउट 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, हिज लैब डेवलप्ड एमआरआई सेंसर्स, उनकी लैब ने एमआरआई सेंसर्स डेवलप किए दैट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रोटीन्स, जिनमें मैग्नेटिक प्रोटीन्स होते हैं दैट कैन बाइंड टू डोपामाइन, जो डोपामाइन से जुड़ जाते हैं. व्हेन दिस बाइंडिंग अकर्स, जब ये जुड़ते हैं, द सेंसर्स मैग्नेटिक इंट्रैक्शन, जो सेंसर्स के मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है विद सराउंडिंग टिश्यू वीकन्स, तो सराउंडिंग टिश्यू के साथ उनके जो उनका जो इंट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, डिमिंग द टिश्यूज एमआरआई सिग्नल. तो वहाँ से जो बाहर से जो मैग्नेटिक फोर्स जाता था, तो जो बाइंड, जो वहाँ से जो वो प्रोटीन का जो बाइंड है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता था, तो उस एरिया में जो उसकी एक्टिविटी है, उसकी जो जो उसका जो सिग्नल है वो डिम हो जाता था, यानी हल्का हो जाता था, और उससे एक उनकी स्क्रीन पे कुछ वो एक एरिया ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ दिखाई देता, आपने मूवीज में भी देखा होगा सिग्नल. एंड दिस अलाउज रिसर्चर्स टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर डोपामाइन लेवल इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन. तो उससे पता लगता है कि स्पेसिफिक ब्रेन में डोपामाइन का लेवल क्या है. इन देयर न्यू स्टडी, ली एंड जेसनॉफ सेट आउट टू एनालाइज हाउ डोपामाइन रिलीज्ड. तो इस स्टडी में उन्होंने उद्देश्य किस चीज़ का लिया, कि हाउ डोपामाइन रिलीज कैसे होता है इन स्ट्रेटम, स्ट्रेटम एरिया में ऑफ रैट्स, चूहों में, ये प्रयोग चूहों पे हुआ. इन्फ्लुएंसेस न्यूरल फंक्शंस, उनके न्यूरल फंक्शंस को कैसे प्रभावित करता है, बोथ लोकली एंड अदर ब्रेन रीजन्स, जहाँ डोपामाइन रिलीज होता है उस लोकल जगह पे और बाकी रीजन्स पे कैसे उसको प्रभावित करता है. फर्स्ट दे इंजेक्टेड द डोपामाइन सेंसर्स इन टू द स्ट्रेटम. तो पहले उन्होंने अपने जो डोपामाइन सेंसर्स हैं वो प्रोटीन, मैग्नेटिक प्रोटीन जो डोपामाइन से बाइंड हो जाते हैं, पहले भी आया था, उसको स्ट्रेटम में उन्होंने इंजेक्ट किया, विच इज लोकेटेड डीप विद इन द ब्रेन, जो बहुत गहरे में, दिमाग के भीतर गहरे में होता है. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग मूवमेंट, जो मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है. देन दे इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड दैट पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर उस पार्ट को उन्होंने इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेट किया, यानी उसको हल्का करंट दिया, कॉल्ड द लेटरल हाइपोथैलेमस, जो जो उस ब्रेन के पार्ट को, जिसको लेटरल हाइपोथैलेमस कहते हैं, विच इज कॉमन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर रिवॉर्डिंग बिहेवियर.
और ये कॉमन टेक्निक है। तो जब भी जो हाइपोथैलेमस होता है वो बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन टू प्रोड्यूस डोपामाइन। और यहीं से जो सिग्नल मिलता है उसी से ब्रेन जो है वो डोपामाइन को प्रोड्यूस करने का सिग्नल देता है। आगे बढ़ते हैं। देन द रिसर्चर्स यूज्ड डोपामाइन सेंसर्स टू मेजर द डोपामाइन लेवल थ्रू आउट द स्ट्रेटम। फिर रिसर्चर्स ने डोपामाइन सेंसर्स का प्रयोग किया पूरे ब्रेन के रीजन में, कैसे ये आपका फंक्शन करता है। देन द रिसर्चर्स यूज द डोपामाइन सेंसर्स को यूज़ किया लेवल्स थ्रू आउट द स्ट्रेटम। स्ट्रेटम के पूरे रीजन में उन्होंने देखा कि किस तरह से डोपामाइन का लेवल है। दे ऑल्सो परफॉर्म्ड ट्रेडिशनल fMRI। तो उन्होंने ट्रेडिशनल fMRI करी टू मेजर, ये नापने के लिए न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरल की जो न्यूरॉन्स की जो गतिविधियां हैं इन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रेटम, स्ट्रेटम के जो ईच पार्ट है उसमें किस तरह की गतिविधि है। टू देयर सरप्राइज वो जहाँ ये देखकर चौंक गए, दे फाउंड दैट द हाई डोपामाइन कॉन्सेंट्रेशन डिड नॉट मेक न्यूरॉन्स मोर एक्टिव। यानी कि डोपामाइन का ज्यादा होना न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता है। हाउएवर हाई डोपामाइन लेवल्स डिड मेक द न्यूरोन रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बिहेवियर किससे इंड्यूस हुआ, लेवल से, पर्टिकुलर रीजन में। न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिव नहीं करता कि हाइपर एक्टिव कर दिया उसे आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ गए, लेकिन एक पर्टिकुलर जो डोपामाइन का लेवल है अगर वो ज्यादा है तो वो उन न्यूरॉन्स को ज्यादा समय तक एक्टिव रखता है। सो, जो डोपामाइन का जो लेवल है इट इज नॉट अबाउट द एक्टिविटी पार्ट, इट इज अबाउट ड्यूरेशन पार्ट। ये ड्यूरेशन को लेकर है। व्हेन डोपामाइन वॉज रिलीज्ड, जब डोपामाइन रिलीज हुआ देर वॉज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ज्यादा लंबे समय तक वो एक्टिव पर्टिकुलर एक्टिविटी रही, सजेस्टिंग लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड को लंबे समय तक रिस्पॉन्स मिला। यानी कि एक देखिए क्या होता है, एनिमल बिहेवियर, जो भी एनिमल्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो रिवॉर्ड पे ही होती है, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच होती है, उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ा गणित नहीं होता। सो इफ यू वांट टू इंड्यूस ए पर्टिकुलर बिहेवियर एंड देन डॉग को आप कुछ खाने को देते हैं तो फिर वो दोबारा एक्टिविटी करता है तो उसको आप फिर खाने को देते हैं। तो जो डोपामाइन लेवल है तो वो उस रिवॉर्ड के लिए उस बिहेवियर को लंबे टाइम तक कायम रखता है, समय ज्यादा बना रहता है, एक्टिविटी चेंज नहीं होती रिवॉर्ड को लेकर। एंड दैट मे हैव समथिंग टू डू विद डोपामाइन प्रोमोट्स लर्निंग। और शायद इसीलिए डोपामाइन जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हाई डोपामाइन लेवल का मतलब बंदे की लर्निंग ज़्यादा है, विच इज वन ऑफ द की फंक्शंस, जो डोपामाइन का एक बहुत ही मुख्य फंक्शन है। फिर क्या है, लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स क्या है। आफ्टर एनालाइजिंग डोपामाइन रिलीज इन स्ट्रेटम, रिसर्चर सेट आउट टू डिटरमाइन। ओके, आई एम सॉरी, आई हैव गॉन बिहाइंड आई थिंक। ओके, आफ्टर एनालाइजिंग डोपामाइन रिलीज इन स्ट्रेटम द रिसर्चर सेट आउट टू डिटरमाइन द डोपामाइन माइट अफेक्ट डिस्टेंट लोकेशन इन द ब्रेन, कि डिस्टेंट लोकेशन को कैसे डोपामाइन प्रभावित करता है। टू डू दैट, ये करने के लिए दे परफॉर्म ट्रेडिशनल fMRI। आई थिंक दिस इज बीइंग रिपीटेड, दिस पार्ट इज रिपीटेड। यहां से पढ़ते हैं, द रीजन दैट शोड द बिगेस्ट सर्ज इन एक्टिविटी रिस्पॉन्स टू डोपामाइन वर द मोटर कॉर्टेक्स। और सबसे ज्यादा जो रीजन में जो जो डोपामाइन रिलीज को जो इफेक्ट कर रहा था, की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, वो था मोटर कॉर्टेक्स एंड द इंसुलर कॉर्टेक्स, दोनों ही। इंसुलर कॉर्टेक्स का मैंने बताया था आपका जो है वो परसेप्शन के लिए होता है, मोटर कॉर्टेक्स जो है मोटिवेशन के लिए होता है, वो पहले भी अपन देख चुके हैं। इट इफ कंफर्म्ड इन एडिशनल स्टडीज द फाइंडिंग्स कुड हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड, हेल्प कर सकते हैं रिसर्चर्स को अंडरस्टैंड करने में। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट आया, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ। द इफेक्ट्स ऑफ डोपामाइन इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में किस तरीके से डोपामाइन के इफेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स रोल इन एडिक्शन एंड लर्निंग, इसका रोल क्या है एडिक्शन में और लर्निंग में। आर रिजल्ट्स कुड लीड टू बायो मार्कर्स दैट कुड बी सीन इन fMRI डेटा। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बायो मार्कर्स के तौर पे देखे जा सकते हैं fMRI डेटा में। दीज कोरिलेट दी डोपामिनर्जिक फंक्शन दैट कुड बी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एनिमल एंड ह्यूमन
fMRI, तो ये कह रहा है कि एनिमल और ह्यूमन दोनों में हमारा ये जो रिसर्च है ये यूजफुल हो सकती है. थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट फॉर द डे. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे आर्टिकल पे आप थोड़ा समय स्पेंड करिए. मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो छोटे जो है वीडियोज़ उनमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं. आपको लर्निंग के लिए, अभी ब्रेन रिसर्च भी कह रही है कि लर्निंग के लिए आपको किसी भी चीज़ पे लंबा समय व्यतीत करना होता है, तो हो सकता है रीडिंग के आर्टिकल्स थोड़े लेंदी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेन रिसर्च ये कहती है कि द लॉन्गर यू स्पेंड ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटी द शार्पर यू बिकम. सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर द डे. अच्छा आर्टिकल है न्यूरो साइंस के बारे में, एंड दिस इज़ वन की एरिया न्यूरो साइंस के बारे में जितना मैंने अध्ययन किया है उसी से मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं. थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल. राम राम सर.